कड़म मंजहक या फिर गांठ गोभी का अचार, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता और अब है। हम इसे टेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाने की रेसिपी। आपको कैसी लगती है लाइक और कमेंट करके बताइए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ये मेरे पास कड़म यानी कि गांठ गोभी या फिर मंजहाक बोल लीजिए उसका प्लांट है। सबसे पहले हम इसे इस तरीके से इसके लीव्स को कट कर लेंगे। इस तरीके से इसके लीव्स मैंने अलग कर लिए और अब हम इसे काट लेंगे। इसका हम ऊपर का पहले स्किन निकाल लेंगे इस तरीके से चाकू की मदद से। बिल्कुल टॉप का स्किन निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें बैक का स्किन निकालना है। और उसके बाद अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके पीसेस कर लेंगे और इसके लीव्स को हम चेक कर लेंगे खोल के एक बार। और इस तरीके से हम इसके पीसेस करते जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जो इसका ये स्टेम है इसे हम इस तरीके से काट काट के छोटे पीसेस करके इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने सारा कड़म जो है काट करके रख लिया है। ये लगभग 2 किलो कड़म है और अब हम इसे जो है धोएंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर हम इसे डाल करके पानी के अंदर इस तरीके से डुबा डुबा कर हमें इसे अच्छे से साफ कर लेना है। इस तरीके से डिप करके हम इसे साफ करने के बाद निकाल लेंगे और ये हमें लगभग 2 से 3 बार इसे अच्छे से धो लेना है ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए। ये मैंने सारा कड़म जो है 2 बार धो लिया है। अब हमें इसे ब्लांच करना है, बिल्कुल लाइट ब्लांच करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर गर्म पानी ले लिया है। जब पानी इस तरीके से बॉइल हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद हम फ्लेम बंद कर लेंगे। अब इसी पानी के अंदर धीरे धीरे हम इसके अंदर सारा कड़म जो है डाल देंगे। और अब हम इसे इसके अंदर लगभग 2 मिनट रखेंगे। हमें इसे बॉईल नहीं करना है क्योंकि अगर हम इसे बॉईल करेंगे तो इसका क्रंची पना जो है वो खत्म हो जाएगा और हमें अचार जो है वो काफी क्रंची चाहिए होता है। 2 मिनट बाद हम इसे इसमें से निकाल लेंगे। देखिए हमारा साग कितना ग्रीन ग्रीन है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इसमें हल्दी पाउडर डाला था, बहुत ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया। और अब हम इसे सुखा लेंगे। तो इसके लिए हम एक टॉवल के ऊपर इसे इस तरीके से बिखेर लेंगे और इसे अब हमें सुखाना है। हमें इसे धूप में नहीं रखना है, अगर हम इसे धूप में रखेंगे तो इसका कलर जो है वो ग्रीन नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। तो हम इसे फैन के नीचे या कमरे में ऐसे ही छोड़ देंगे, बस हमें सनलाइट के नीचे नहीं रखना है इसे। और ये मैंने इसे सुखाने के लिए रख लिया है। लगभग 4-5 घंटे इसे सूखने में लग जाएंगे या फिर उससे भी ज्यादा, जब तक इसके ऊपर का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ये देखिए इसे रखे हुए लगभग 5 से 6 घंटे हो गए हैं और ये बिल्कुल सूख गया है। कितना बढ़िया सूखा है, देखिए कितने अच्छे इसके लीव्स अब हो गए हैं और कितना ग्रीन कलर इसमें अभी भी है। इसके बाद अब हम इसे कलेक्ट कर लेंगे। हम एक पैन में मसाला बना लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया सीड्स, 3 चम्मच राई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स और 1 चम्मच अजवाइन। और इसमें ऐड करेंगे लगभग 5 से 7 सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डालने से हम अचार को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और अब हम इसे थोड़ा हल्का रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे हल्का रोस्ट करना है, मसालों को जलाना नहीं है, इतना कि इनसे खुशबू आने लग जाए। ये देखिए इसे मैंने लगभग 2 से 3 मिनट चला लिया है इसी तरीके से और इससे काफी अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे ट्रांसफर करेंगे एक ब्लेंडिंग जार में।
और अब इसे थोड़ा ठंडा करके हमें हल्का दरदरा पीस लेना है। देखिए ये मैंने मसालों को हल्का दरदरा जो है पीस लिया है। अब मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया है यानी कि मस्टर्ड ऑयल। मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप ऑयल लिया हुआ है। इसे हम गरम कर लेंगे तब तक जब तक इससे धुआं निकलने लग जाए। ये तेल जो है गरम हो गया है और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और ये हमारा कड़म है जिसे हमने पूरा सुखा लिया था। इसके अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे ये सरसों का तेल जो अब ठंडा हो गया है। अभी मैंने आधा ऐड किया है, आधा हम इसमें और ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें नमक डाल लेंगे। मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच नमक डाल लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। और यहां मैंने लगभग 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अपने हाथ से अच्छे से। और इसमें मैं और तेल जो है वो डालती रहूंगी साथ साथ। और हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 चम्मच विनेगर यानी कि सिरका और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके साथ। मसाले को हमें एक एक पत्ते में अच्छे से मिक्स कर लेना, हर जगह अच्छे से हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे। ये मैंने इसमें सारा मसाला जो है मिक्स कर दिया है, सारा ऑयल। और इसे मैंने चेक कर लिया था, टेस्ट कर लिया था। इसे मैंने 1 बड़ा चम्मच मिर्च और 1 बड़ा चम्मच नमक और मिला लिया है और ये जो है इस तरीके से ये बन गया है। अब हम एक जार ले लेंगे जिसमें हम इसे स्टोर करेंगे। सबसे पहले मैंने इस जार को अच्छे से धो करके सुखा लिया है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर हम डालेंगे अब थोड़ा सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है, इसे हर तरफ इस तरीके से फैला देंगे। ये मैंने इसमें हर तरफ जो है तेल फैला दिया है और अब हम इसमें डालेंगे इस अचार को इस तरीके से। अचार डालते हुए हम इस तरीके से दबा लेंगे एकदम टाइट, अंदर जो है हवा नहीं रहनी चाहिए, गैप नहीं रहना चाहिए। और ये सारा तेल मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से टॉप से हम दबाएंगे ताकि इसमें गैप ना रहे। ये देखिए कैसे मसाला और तेल ऊपर तक आ रहा है। ये देखिए इसे बिल्कुल मैंने अंदर तक पैक कर लिया है दबा दबा कर, इसमें हवा जो है वो नहीं है, बिल्कुल टाइटली बंद कर दिया है इसको मैंने। बेशक हमारा ऊपर खाली रह जाए लेकिन हम इस तरीके से इसे दबा लेंगे। और अब हम इसे लगा देंगे ढक्कन। 4 से 5 दिन में हमारा अचार जो है वो बन जाएगा। हम इसे घर के अंदर ही किसी डार्क प्लेस पर छोड़ देंगे। इसे रखे हुए 5 दिन हो चुके हैं, आज मैं इसे खोलूंगी 5 दिन बाद। और सबसे पहले आप इसकी खुशबू चेक कर लीजिए कि क्या इसमें खुशबू ऐसे अचार जैसी आ रही है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसे हल्का इस तरीके से हिला करके ये तैयार है अचार हमारा। देखिए क्या बढ़िया अचार बना है, मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर निकाल कर। ये देखिए ये अचार बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यम्मी बना हुआ है। आप इसे लगभग 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैं आपको दिखाती हूँ और अब हम इसे टेस्ट करेंगे।